Yes, class 6 students, this video is quite important for you as I am going to discuss here about your upcoming half yearly oral sheet year of English grammar that is English second year. So, students, this paper contains 20 marks and 5 marks for the copy work and discipline, and 15 remaining marks for this paper. ओके सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑक्जीलियरी वर्ब्स वॉट इज ऑक्जिलियरी वर्ब्स ऑक्जिलियरी वर्ब्स और ओगजिलियज आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस स्पेसिव वॉइस क्वेश्चंस नेगेटिव एट्सेट्रा ऑक्जिलियरी वर्ब्स वो होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब जो कि दूसरी वर्ब्स के साथ यूज में आती हैं क्या फ्रेम करने के लिए टेंसेज स्पेसिव बॉयज क्वेश्चन नेगेटिव एंड एट्सेट्रा ओके आर सेकेंड क्वेश्चन इज मैंशन द यूज ऑफ मॉडल्स कैन विल एंड शुड यहाँ पे जो मॉडल्स होते हैं कैन विल शुड जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं उसको आपको यूजेस बताना है लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ कैन सो कैन के ऊपर यू हैव टू फ्रेम वन लाइन सो इट इज़ लाइक दैट ही कैन स्पीक फाइव लैंगवेज ओके सेकेंड इज विल पर रन टू नाइट थर्ड इज शुड

ठीक है और हमें इसमें प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है जैसे दिस कैट ऑफ वन डैश माइस तो ये क्या एग्जांपल है कि ये जो कैट है अक्सर माइस पकड़ लेती है तो ये प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कैचेस ओके सेकेंड एग्जाम्पल इज ही डैश द्रूथ ये क्या है प्रेजेंट टेंस में कैसे बताएगा किसी के हैबिट बता रहा है, है ना तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा ओनली हमें ई एस एड करना है ही स्पीक्स द ट्रूथ डैश उसके बाद थर्ड इज द बुक्स आर इन द डेस्क इसके अंदर हमें क्या लिखना है ये प्लूरल है बुक्स मोर देन वन तो इसमें आर आ जाएगा इसी तरह से फोर्थ में है माई बूट्स डैश थिक सोल्स माई बूट्स सोल्स

ओके एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट और फिफ्थ क्वेश्चन इज टेल द मीनिंग ऑफ द फॉलोविंग वर्ड्स तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज पॉपुलर इसकी तरह ही आपको एक सिनोनियम बताना है पॉप्युलर को हम फेमस भी कहते हैं इसी तरह से सेकेंड में चिलिंग है चिलिंग का हम सेकेंड मीनिंग इंग्लिश में कोल्ड भी कहते हैं डन सो यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल थैंक यू फॉर गिविंग म्योर टाइम